जाउछि हॉकी विश्वकप पुणी विश्वकप रो आयोजन करूछि ओडिसा बढ़िलाणी फ्रांस मानको मनरे उत्साह आसंता जनवरी 13 तारिख रु आरंभ हेबाकु जाउछि हॉकी विश्वकप विश्वकप को एथर भी आयोजन करूछि ओडिसा जाहाकु नै राज्यर कोण अनुकोण रे फ्रांस मानको मनरे बढ़िलाणी हॉकी फीवर तबे ए विश्वकप को नै प्रस्तुति पर्याय जोरदार चलिछि भुवनेश्वर राउरकेला समेत राज्यर सबु जिल्लारे हॉकी क्रीडार व्यापक प्रचार प्रसार पई जारी रहिछि प्रयास एपरिक विश्वकप देशर विभिन्न राज्य परिभ्रमण बाहरी सारी अंपटे कलिंग स्टाडियम और बिरसा मुंडा स्टाडियम युद्धकालन भितर सौंदर्यकरण जहां विश्वकप्र उत्कंठा परिसर को द्विगुणित कर हॉकी इंडिया सभापति निश्चय मुझे जेहेतु बैक टू बैक सेकंड थर वर्ल्ड कप हो भुवनेश्वर कैपिटल भुवनेश्वर राउरकेला एभली बहुत बहुत कम देख बिल्कुल है नहीं इंडियन मो मतरे वर्ल्ड कप हिस्ट्री के भी है नहीं कि बैक टू बैक वर्ल्ड कप मिलेगा मो मतरे ओडिशा सरकार सहयोग ऑर्गेनाइज सेक्टर भल भाव ऑर्गेनाइज करवा आम ओडिशा भुवनेश्वर जो स्पोर्ट्स फैन हॉकी फैन जो भाव में भिड़ होती हॉकी को प्रमोट करने देखापी तारी एफआईएस पुणि थे भाविकी 2020 वर्ल्ड कप देखते सरकार हॉकी इंडिया समस्त निश्चय चैलेंज रही जाए रही था मोर विश्वास समस्त सहयोग में 2023 वर्ल्ड कप ग्रांड सक्सेस एपटे जनवरी 13 रु हॉकी महाकुंभ आरंभ होता बेले 11 तारीख में हॉकी विश्वकप उद्घाटन उत्सव कटक बारवाटी स्टेडियम रे अनुष्ठित हेबो विश्वस्तरीय बालीयात्रार सफलता हासिल करिवा परे एही मेगा स्पोर्ट्स रो आयोजन पई कटक उपरे भरोसा करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तेबे स्टेडियम रो सौंदर्यकरण सह रिंग रोड बंध सहरर प्रमुख छक चोपड़ा आनिकट ब्यारेज को हॉकी फीवर रे सजाए पई आरंभ होईची प्रस्तुति जहाँ की अल्प दिन मध्य शेष हो बोली कहिछंती कटक मेयर खेल हम राउरकेला खेल हम भुवनेश्वर कि नाम कटक ये कटक गोटे कहीं बारवाटी दुर्ग हूँ कटक आउ खेल पर गोटे जहाँ कहूँ फॉर्मर कैपिटल ऑफ द स्टेट आज दिन में तेणुकर आपको विचार करके माननीय मुख्यमंत्री निष्पत्ति करते हैं कटक स्वागत योग्य कारण पुणी विश्व दरबार में कटक झलसव गोटे कटक रूपरेख पुणी आस हॉकी विश्वकप हाथ में आउ कम समय थी बारवाटी स्टेडियम ठारु आरंभ कर रास्ताघाटर सौंदर्यकरण जारी रही कटक रु वीडियो जर्नलिस्ट सुब्रत के साथ विश्वजीत दास का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। भुवनेश्वर स्टूडियो रु लाइव अर्गस न्यूज आपणंक पाखरे। आपण देखुछंती प्रश्नकाल शांति भूषण का सह।